तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली यदि आप Redmi Note 10 फोन यूज करते हैं और आपने इसमें MIUI 13 इंस्टॉल कर रखी है और आप चाहते हैं कि इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड है तो उसको आप कैसे जो है रिलॉक कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपकी MIUI 13 है या MIUI 12 है, 12.5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ट्रिक है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि मेरा जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं डेवलपर ऑप्शन में जाके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा जो बूट लोडर है वो यहाँ पे अनलॉक्ड है, ठीक है। अब मेरे को बूट लोडर लॉक करना है, वो कैसे कर पाऊँगा वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना, आपका जो फ़ोन का डेटा है वो सारा ख़त्म हो जाने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप सबसे पहले अपने डेटा को कहीं ना कहीं कॉपी कर लीजिए। उसके बाद क्या करना, आपको अपने फ़ोन को ले जाना फास्ट बूट मोड में। कैसे ले जाते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन दबाना और पावर बटन दोनों एक साथ दबाए रखने हैं, जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से आपको दबाए रखना है और आपका जो फ़ोन है थोड़ी देर में फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फास्ट बूट मोड में इस तरीके से मेरा चला चुका है फास्ट बूट मोड। अब इस तरीके का आता है MIUI 13 में। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास ये डाटा केबल है और मैं इसको यहाँ पे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये तीन फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है, जो कि सबसे पहले ADB सेटअप है, उसके बाद मी फ्लैश टूल है, उसके बाद हमारा ये जो रोम है जो आपको डाउनलोड करनी है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ADB सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। ADB सेटअप आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ADB सेटअप को, और मैं आपको बताऊंगा ये फाइल कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो यस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद वाई एंटर और आपकी जो है यहाँ पे जो मतलब ADB सेटअप इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद मी फ्लैश टूल है, इसको भी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेनी है और एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर तीसरी फाइल है जो कि ये है MIUI 13 की, मैंने यहाँ पे जो मेरी ग्लोबल स्टेबल अपडेट थी उसकी रोम है जो कि फास्ट बूट रोम है, तो इसको मैंने यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है देख लेना है कि आप जो है कौन सी रोम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ फास्ट बूट रोम ही डाउनलोड कर लेनी है, चाहे आप ग्लोबल की करें चाहे आप इंडिया की करें। तो इंडिया की भी देखेंगे तो फास्ट बूट यहाँ पे आप देखिए ये रशिया की है, और फास्ट बूट रोम यहाँ पे आप देखिए ये इंडोनेशिया के, जहाँ की भी करनी है ना आपको फास्ट बूट रोम ही डाउनलोड करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे अब जो डाउनलोड करने वाला हूँ तो यहाँ फास्ट बूट ग्लोबल वाली करने वाला हूँ, फास्ट बूट स्टेबल, और इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड आएंगे, इसको काट देना है, और यहाँ पे उसके बाद नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे रिकवरी जो रोम है वो तो आपको डाउनलोड नहीं करनी, आपको डाउनलोड करनी है ये वाली रोम, ठीक है। आप इंडिया वाली भी ऐसी कर सकते हैं, फास्ट बूट रोम आपको डाउनलोड करनी है चाहे आप MIUI 12.5 की करें या 13 की। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसका साइज 5.5 GB है, इसको डाउनलोड कर लेना, फुल रोम पे क्लिक करेंगे और आपकी डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करके इसको यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस वाले फोल्डर को यहाँ से उठाना है, मतलब राइट क्लिक करना है इस फोल्डर पे और इसको कट करना है। कट करके आपको लोकल डिस्क सी में ले जाना है, या जो भी आपके जो है जोन से भी आपके मतलब जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड जो भी डिस्क में उसमें आपको सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है, इसको ओपन करना है, फिर से ओपन करना है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से आगे कोई भी आपको फोल्डर ओपन नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी लोकेशन जो है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी जैसे करेंगे तो आपको बैक जाना है और यहाँ पे मी फ्लैश टूल का जो आपने फोल्डर मतलब ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी इस फोल्डर को ओपन करेंगे और फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा Xiaomi फ्लैश, इसको आपको ओपन कर लेना, यस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना, इसको पेस्ट कर देना जो भी आपने लोकेशन कॉपी की होती। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, तो रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये डिवाइस हमारा जो शो हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है फास्ट बूट के साथ। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे ये तीन चीज़ देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे क्लीन ऑल है, क्लीन ऑल के बाद यहाँ पे सेव यूजर डाटा है, उसके बाद यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक है। अब क्लीन ऑल का मतलब तो ये है कि यदि आप क्लीन ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो अगर आप इस रोम को फ्लैश करते हैं तो आपका सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा और आपका जो है मतलब कि आपके जो क्या बोलते हैं जो बूट लोडर है वो आपको लॉक भी नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव यूजर डाटा है, इस पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो आपका सारा डेटा भी सेव रहेगा, मतलब डिलीट नहीं होगा कुछ भी, और उसके बाद आपका जो बूट लोडर है वो भी जो है
मतलब लॉक नहीं होगा और आपके जो है रोम भी फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक है, यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं इससे क्या होगा कि आपका जो बूट लोडर है वो भी लॉक हो जाएगा, आपका डेटा भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी रोम भी फ्लैश हो जाएगी। तो हम यहाँ पे रिस्क वाली चीज़ है ये बीच वाली, तो इसको तो हम करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको जो डिवाइस अपना क्लीन भी करना है और हमारा जो बूट लोडर वो भी लॉक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपकी जो रोम है वो फ्लैश होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैशिंग जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भी जल्दी से हो गया। वैसे आपको 5 से 10 मिनट ये लेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो है यहाँ पे आप देखिए फ्लैश डन लिखा आ चुका है और हमारा जो डिवाइस है वो भी यहाँ पे रिबूट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब रिमूव करने के बाद यहाँ पे इसको रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाती है रिबूट होने के बाद सेटअप स्क्रीन। अब आपको इसको सेटअप करना है, कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आपको लैंग्वेज चूज कर लेनी है। मैंने यहाँ पे चूज कर रखी है इंग्लिश इंडिया, ठीक है मेरी। उसके बाद आप चाहें तो इसका जो है टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो चुका है, यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछेगा आपका जो रीजन कौन सा, यानी कि देश कौन सा है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके बाद ये पूछेगा आपका कीबोर्ड कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो मैंने जीबोर्ड यहाँ पे चूज कर रखा है, वैसे एक ही कीबोर्ड है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाउ कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके बाद ये चेक करेगा आपके फ़ोन में सिम है या नहीं है, तो मेरे फ़ोन में सिम नहीं है, इसके लिए उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर देना, तो मैं स्किप कर देता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करने वाला। उसके बाद यहाँ पे गूगल सर्विसेज की कुछ परमिशन है कि आप अपने जो मतलब लोकेशन वगैरह गूगल को देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, तो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद एक्सेप्ट यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड के लिए बोलेगा, यदि आप सेट पासवर्ड करना चाहते हैं, पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट या स्क्रीन लॉक लगाना, तो मैं फिलहाल नहीं लगाऊंगा, बाद में लगा लूंगा, अभी स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स, यदि आप चाहते हैं कि Xiaomi वालों को भी लोकेशन वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और आप एड्स वगैरह आप उनको बंद करना चाहें एड्स वगैरह को, तो इसको भी आप इसको ऑफ कर देना और आपके जो एड्स वगैरह आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्लेंस फॉर मी, इसको भी आपको ऑफ कर देना और इसको भी, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपका डिफॉल्ट लॉन्चर कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐप ड्रॉअर वाला, ये क्लासिक वाला कोई सा सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझको क्लासिक वाला अच्छा लगता है, मैं सेलेक्ट करूँगा फिर नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको कर देना। तो यहाँ पे ऐप्स को लोड करेगा और आपको यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी जो स्क्रीन है वो लोड होकर आ चुकी है। अब यहाँ पे आपका जो डेटा मैंने आपको बताया था सारा डेटा खत्म हो जाएगा, वो तो हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाके मैं आपको चेक करवाऊँ, तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं, MIUI 12. ग्लोबल वर्जन है 13.0.5 का। उसके बाद यहाँ पे आप एंड्रॉयड वर्जन पे आपको MIUI वर्जन पे आपको टेप करना कई बार जल्दी जल्दी, और यू आर नाउ अ डेवलपर आ गया। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे मी अनलॉग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए दिस डिवाइस इज लॉक्ड लिखा आ चुका है, यानी कि आपका जो बूट लोडर है वो लॉक्ड हो चुका है आपके रेडमी नोट 10 में। तो आपको वीडियो का इसलिए कमेंट सेक्शन बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस बाय।